नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं वीरजी मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन की बेसिक जानकारी, यह किस लाइन पे मौजूद है वो, इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होने वाली ट्रेनों के बारे में, नज़दीकी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बारे में, और इस स्टेशन पे यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है CAPE, जिसे यूज़ करके यात्री कैसे भी अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। इस रेलवे स्टेशन को साउथर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है, जो कि तिरुवनंतपुरम डिवीज़न में लगता है। यह एक रेगुलर टाइप का स्टेशन है, जिसका एलिवेशन यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई 30.333 मीटर है। इस रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म और 6 ट्रैक मौजूद हैं। इस रेलवे स्टेशन से 11 ट्रेन अपनी जर्नी शुरू करती हैं और 11 ट्रेन इस स्टेशन पे अपनी जर्नी समाप्त करती हैं, जिनमें भारत की सबसे लॉन्गेस्ट दूरी की ट्रेन, जो कि विवेक एक्सप्रेस और हिमसागर एक्सप्रेस, इस रेलवे स्टेशन पे ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। अब बात करते हैं लाइन के बारे में। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन तिरुवनंतपुरम नागरकोइल कन्याकुमारी लाइन पे मौजूद हैं। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन तमिलनाडु राज्य का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ से भारत देश के लिए बहुत कम शहरों के लिए ट्रेन डायरेक्टली मिलती हैं, जैसे कि हावड़ा, पुणे, बेंगलुरु, पौंडीचेरी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, चेन्नई एगमोर, डिब्रूगढ़ और हजरत निजामुद्दीन के लिए यहाँ से ट्रेन डायरेक्ट मिलती है। अब बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होने वाली ट्रेनों के बारे में, जिनमें मेल या फिर नॉन सुपरफास्ट की 4 ट्रेन, पैसेंजर की 1 ट्रेन और सुपरफास्ट की 4 ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होती हैं, जिनमें ट्रेन नंबर 12666 कन्याकुमारी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में सिर्फ शनिवार को सुबह 5:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 या फिर 3 से डिपार्ट होती हैं। ट्रेन नंबर 16382 कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में 7 दिन सुबह 8:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्ट होती है। ट्रेन नंबर 16525 कन्याकुमारी केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में 7 दिन सुबह 10:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट होती है। ट्रेन क्रमांक 16862 कन्याकुमारी पौंडुचेरी एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में सिर्फ सोमवार को दोपहर को 1:50 पे यहाँ से डिपार्ट होती है। ट्रेन क्रमांक 16317 हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि कन्याकुमारी से चल के श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती हैं, यह ट्रेन सप्ताह में सिर्फ शुक्रवार को दोपहर को 2:15 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्ट होती है। ट्रेन संख्या 12634 कन्याकुमारी चेन्नई एगमोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में 7 दिन शाम को 5:05 पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट होती है। ट्रेन क्रमांक 15905 कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि सप्ताह में सिर्फ गुरुवार को शाम को 5:30 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट होती है। ट्रेन संख्या 12641 तिरुकुराल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि कन्याकुमारी से चल के हजरत निजामुद्दीन तक चलती हैं, यह ट्रेन सप्ताह में सिर्फ बुधवार और शुक्रवार को शाम को 7:05 पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट होती है। यह कुछ मेजर ट्रेन थी जिसकी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, वक्त के साथ ट्रेन की संख्या में बदलाव हो सकते हैं, तो कृपया एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन से नज़दीकी एयरपोर्ट और नज़दीकी रेलवे स्टेशन के बारे में। नज़दीकी एयरपोर्ट के बारे में बताऊँ तो त्रिवेंद्रम का एयरपोर्ट 86 किलोमीटर के दूरी पर मौजूद है, और रेलवे स्टेशन के बारे में बताऊं तो सुचिंद्रम रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर के दूरी पे मौजूद है। इसके अलावा नागरकोविल जंक्शन 16 किलोमीटर, नागरकोविल टाउन 20 किलोमीटर, वीराणी आलूर 26 किलोमीटर, इरनियल 34 किलोमीटर,
और पनकुड़ी स्टेशन 39 किलोमीटर के दूरी पे मौजूद हैं। अब बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन पे यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में। इस रेलवे स्टेशन पे यात्रियों को पार्किंग, टॉयलेट, वॉइस गाइडलाइन, डिस्प्ले गाइडलाइन, ड्रिंकिंग वाटर, सीटिंग चेयर, व्हील चेयर, टी स्टॉल, फूड स्टॉल, टिकट रिजर्वेशन काउंटर, ट्रेन इंक्वायरी काउंटर जैसे कई सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पे यात्रियों को दी जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा। और ऐसी ही रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।